कार्तीय निर्देशांक की पहचान। कागज पर एक बिंदु का चिन्ह लगाया। यह नीचे के किनारे से 5 सेंटीमीटर तथा बाएं किनारे से 7 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब यह भी देखें कि यह दाएं किनारे से 18 सेंटीमीटर तथा ऊपर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो एक बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमने 2 अलग-अलग सूचनाएं लिखी। इसी प्रकार और सूचनाएं भी हो सकती हैं। बाएं किनारे तथा ऊपर से या दाएं किनारे तथा नीचे से। अतः यहां हमारी आवश्यकता एक ऐसी पद्धति विकसित करने की है जिससे बिंदु की स्थिति बताने की सूचनाएं अद्वितीय हों तथा हमें अलग अलग संदर्भ न बताने पड़ें। इसके लिए रेने दकार्ते ने एक पद्धति विकसित की। दोनों परस्पर लंब रेखाएं ली। इनको एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहा तथा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा। यहां किसी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक तथा एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को वाई निर्देशांक कहा, जिन्हें एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। पहले एक्स निर्देशांक, फिर कॉमा के बाद वाई निर्देशांक। ये प्रत्येक बिंदु के लिए अद्वितीय हैं। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष तल को 4 भागों में बांट रही है। प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। परंतु यहां बिंदु ए 3, 2 देखिए। पहले चतुर्थांश में यह एक्स अक्ष से 2 मात्रक तथा वाई अक्ष से 3 मात्रक दूरी पर है। बी सी डी बिंदु भी एक्स अक्ष से 2 मात्रक तथा वाई अक्ष से 3 मात्रक दूरी पर है। प्रत्येक की एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी समान है, अर्थात चारों के समान निर्देशांक हो गए, जबकि निर्देशांक अद्वितीय होने चाहिए। इसीलिए एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, अर्थात पहले चतुर्थांश एक्स तथा वाई दोनों निर्देशांक धनात्मक अर्थात ए के निर्देशांक 3, 2। दूसरे चतुर्थांश एक्स ऋणात्मक तथा वाई धनात्मक बी के निर्देशांक ऋणात्मक 3, 2। तीसरे चतुर्थांश एक्स ऋणात्मक वाई ऋणात्मक सी के निर्देशांक ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 2। चौथे चतुर्थांश एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक डी के निर्देशांक 3, ऋणात्मक 2। किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक उस बिंदु की वाई अक्ष से
लंबवत दूरी एक निश्चित चिन्ह के साथ।